ठीक है, तो आज का टॉपिक जो था वो था स्केलर्स एंड वेक्टर्स। ठीक है, तो ये सब बेसिक मैथमेटिक्स है जो कि इस्तेमाल होता है, पूरे फिजिक्स में आपको इस्तेमाल होता रहेगा। ठीक है, तो सिंपल डेफिनेशन आप जानते हो कि कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको आप कंप्लीटली डिस्क्राइब कर सकते हो अपने न्यूमेरिकल वैल्यू से, मतलब उनको डायरेक्शंस की आवश्यकता नहीं होती, बट वेक्टर्स में आपको डायरेक्शन और न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों जरूरत होगा आपको, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, तो दिस इज मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन ऑन द मैग्नीट्यूड। कहने का मतलब किसी भी वेक्टर्स को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो मान लिया इस टाइप से हमने दे दिया, तो दिस इज लेट्स से 3 मीटर पर सेकेंड, और से लेट 2 मीटर पर सेकेंड इस टाइप से। तो कहने का मतलब है, यहाँ पे एक चीज ध्यान देना होगा आपको कि अगर एक पार्टिकल की फर्स्ट वेलोसिटी लेट्स से ए टू बी जा रहा है वो, और फिर उसकी सेकेंड वेलोसिटी लेट्स से परपेंडिकुलरली बी टू सी जा रहा है, उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी? ए टू सी होगी। ठीक है, ये इसकी फर्स्ट वेलोसिटी है, ये इसकी सेकेंड वेलोसिटी है, और ये इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी है। ये आप पहले भी आपको वेक्टर में पढ़ाया जाता है। वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं, मान लीजिए जैसे ये ए बी वेक्टर है, तो वी विल रिप्रेजेंट दिस एज ए बी वेक्टर, पी सी वेक्टर, ए सी वेक्टर। ठीक, तो ये सिंपल होता है आपका। अब आती है बात इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स की। ठीक है, इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स मतलब दो वेक्टर इक्वल कब होंगे? सो टू वेक्टर्स विच रिप्रेजेंट टू वैल्यूज ऑफ द सेम फिजिकल क्वांटिटीज आर इक्वल इफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, एंड द डायरेक्शन शुड ऑल्सो बी सेम। ठीक है, जैसे कि अगर हम बोल दिए ये वेक्टर और ये वेक्टर, ठीक है, सो दिस इज लेट्स ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, इनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है, तब ये दोनों इक्वल कहलाएंगे। ठीक है, अब बात आती है आपकी, हमने आपको बताया था एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, तो ये अगर मान लेते हैं एक वेक्टर ए है एंड दिस इज अनदर वेक्टर, लेट्स से दिस इज बी वेक्टर। ठीक है, तो इनका रिजल्टेंट आपका ए प्लस बी वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हेड टू टेल टू हेड आप उसको ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, अब इसी तरह अगर मान लेते हैं कि पैरेललोग्राम की बात करें, तो ये मान लेते हैं ए वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर है। ठीक है, अब इसका रिजल्टेंट मेरे को निकालना है, क्या करेंगे, इसको पैरेलली उठा के यहाँ लाएंगे, तो दिस विल बी बी वेक्टर। अब इसका रिजल्टेंट क्या होगा, इसको जब जोड़ देते हैं तो ये इस ए प्लस बी हो जाता है। यू कैन सी दैट दिस बिकम्स अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये सब सारी चीजें आपको बताई जा चुकी है। अब यहाँ पे एक और चीज जो इम्पोर्टेंट है याद रखने का है, वो है कि अगर मान लेते हैं इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल लेट्स से इट इज थीटा, और रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल अल्फा, क्योंकि ए वेक्टर। ठीक है, तो जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट लेट्स से रिजल्टेंट वेक्टर इज आर, तो इसका इसका जो मैग्नीट्यूड होगा रिजल्टेंट वेक्टर का, दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी कॉस ऑफ एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स व्हिच इज थीटा हियर। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे हमने आपको बोला कि ए वेक्टर के साथ ये रिजल्टेंट वेक्टर अल्फा एंगल बना रहा है, सो वी कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ दैट रिजल्टेंट ऑल्सो। सो टैन ऑफ अल्फा शुड बी इक्वल टू बी
साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान आपको ये देना है कि बेस वेक्टर जो है आपका ए वेक्टर है, ठीक है, और इंक्लाइंड वेक्टर जो है बी वेक्टर है। तो जो न्यूमरेटर में हम ले रहे हैं साइन थीटा ले रहे हैं, वो प्रोडक्ट है किसके साथ, इंक्लाइंड वेक्टर के साथ, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि आपका जो साइन थीटा और कॉस थीटा आप लिख रहे हो, दैट इज विद द इंक्लाइंड वेक्टर, नॉट विद द बेस वेक्टर, ठीक है। एंड ए एंड बी रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एडिशन ऑफ वेक्टर्स का, इसको इस्तेमाल करके हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन अगर हम बोले कि दो वेक्टर है आपके पास, दोनों का मैग्नीट्यूड ए है और वो एक दूसरे से एंगल जो है थीटा बना रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज ए वेक्टर और ये एंगल जो है थीटा है, ठीक है, दोनों वेक्टर का। सो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ देयर रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, डायरेक्शन। तो आपको अभी यहाँ पे बताया गया फॉर्मूला, तो रिजल्टेंट जो होगा दैट विल बी, अब दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ए बी, ए ए कॉस थीटा, ठीक है। ये मेरा कितना हो जाता है, रूट ओवर टू ए स्क्वायर और ये हो गया मेरा वन प्लस कॉस थीटा। अब यह मैथमेटिकल आइडेंटिटीज जो आप ट्रिगोनोमेट्री में इस्तेमाल करते हो उसको आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। ये मेरा हो जाएगा फोर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, इसका मतलब दिस बिकम्स टू ए कॉस थीटा बाई टू, ठीक है। अब एंगल आपको निकालना है, तो एंगल निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आपके पास टेन अल्फा इज इक्वल टू, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम दिया है बट साइन थीटा ऊपर होता है तो ए साइन थीटा बाई ए प्लस ए कॉस थीटा, यही होगा, ठीक है। सो ए साइन थीटा को हम लिख सकते हैं टू ए साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, और नीचे हम लिख सकते हैं टू ए कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, एक के से कैंसिल हो गया, टू ए से टू ए कैंसिल हो गया, सो दिस बिकम्स टेन थीटा बाई टू, टेन टेन कैंसिल, सो अल्फा इज इक्वल टू थीटा बाई टू। कहने का मतलब है इस सिंपल एडिशन ऑफ वेक्टर्स के फॉर्मूले से हम रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि अगर दो वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के हों तो जो रिजल्टेंट होगा इट विल बाइसेक्ट द एंगल, ये थीटा एंगल है अगर, सो दिस एंगल अल्फा इज हाफ ऑफ थीटा, मतलब रिजल्टेंट बाइसेक्ट्स द टू वेक्टर्स, ठीक है, बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर, इसका मतलब यही है। अब नेक्स्ट आता है आपका मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय एनी नंबर, मल्टीप्लीकेशन, a vector by a number, ठीक है। तो मान लीजिए कोई वेक्टर आपका a वेक्टर है, इसको आपने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया k टाइम्स, तो इट बिकम्स k टाइम्स a, ठीक है। जैसे मान लिया आपने b वेक्टर लिया, इसको आपने क्या किया, थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, आपने उसको माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो कहने का मतलब है वी कैन राइट दिस, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय एनी नंबर। अब एक आती है सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स हम समझे थे, अब है सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। तो ये आपको समझना है कि जैसे हम a माइनस बी लिखना चाहते हैं, सो दिस इज एक्चुअली a वेक्टर प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर, ठीक है। अब माइनस बी का मतलब क्या होता है, मान लेते हैं ये b वेक्टर है, माइनस बी का मतलब होता है जस्ट रिवर्स, ठीक है, सो दिस इज माइनस बी वेक्टर, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि
अगर आपका ये ए वेक्टर है आपने लिया है और ये आपका बी वेक्टर है, तो इसका मतलब है कि हम एक पीछे इसका ड्रॉ कर सकते हैं, सो दिस विल बिकम माइनस बी वेक्टर, और अब ये और ये दोनों का रिजल्टेंट हम ले सकते हैं, सो दिस विल बिकम दी ए माइनस बी वेक्टर। ठीक है, तो कहने का मतलब है दिस इज वेरी वेरी इजी कॉन्सेप्ट, और आप आसानी से सम ऑफ वेक्टर्स, डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स आप निकाल सकते हैं। तो जैसे एक क्वेश्चन के जरिए हम समझाएंगे, मान लेते हैं दो वेक्टर है आपके पास और दोनों वेक्टर जो हैं आपका 5 यूनिट है और ये भी 5 यूनिट है, ठीक है, और इन दोनों के बीच का एंगल जो है लेट्स से 60 डिग्री है, ठीक है। तो अब आपको समझना है इस वेक्टर को हम पीछे ए करेंगे तब ये -5 होगा, और फिर ये इसका मेरे को रिजल्टेंट निकालना है, समझ में आ रही है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका समझना। तो ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर और ये वेक्टर आपका ए माइनस बी वेक्टर रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सो इफ दिस इज ए, इफ दिस इज बी वेक्टर, सो दिस बिकम्स माइनस बी वेक्टर, सो दिस इज ए माइनस बी वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा जो एडिशन ऑफ वेक्टर अगर हम करें, दोनों वेक्टर को जोड़े, तो मेरा क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 5 है, 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर 2ab, मतलब 2 × 5 × 5 एंड कॉस ऑफ 60 डिग्री, ये मेरा कितना हो गया, 2 × 5 कॉस ऑफ 30 डिग्री, दिस इज 5√3 यूनिट, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अगर अगर हमको इसका ए माइनस बी निकालना होगा, तो यहाँ पे अब आपको समझना है कि 5 स्क्वायर + 5 स्क्वायर + 2 × 5 × 5 × एंगल, एंगल यहाँ पे इन दो ए और माइनस बी वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा, ये एंगल होगा, और ये एंगल कितना है, 180 डिग्री -60 डिग्री। सो फॉर डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स के लिए एंगल जो हो गया वो cos 120 डिग्री होगी, सो यू कैन इजीली सॉल्व दैट। सो दिस इज इक्वल टू 2 × 5 cos 60 डिग्री, ठीक है, ये हो गया मेरा, हाफ कैंसिल हो जाएगा तो 5 यूनिट आएगा। तो कहने का मतलब है a+b और a-b सम और डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं इस मैकेनिज्म से। उसी तरह रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स जो है, ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि हम लोग बार बार इस्तेमाल करते रहेंगे फिजिक्स में, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका, ठीक है। जैसे कि हम बोलते हैं कि ये वेक्टर है, ये वेक्टर है आपका, ठीक है। तो मान लेते हैं दिस इज द वेक्टर ए और इसको आपको रिजॉल्व करना है, ठीक है। आप क्या किए, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए दोनों एक्सिस पे, एक्स और वाई एक्सिस पे, ठीक है। लेट से ये आपका ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ठीक है। ये एंगल आपका मान लेते हैं अल्फा है, और ये एक्स एक्सिस पे आपका डायरेक्शन है, सो लेट से आई वेक्टर, और ये मान लेते हैं बी का एंगल बना रहा है, इट्स जे वेक्टर। तो कहने का मतलब है कि हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं इस वेक्टर को इन टर्म्स ऑफ उसका एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो ए वेक्टर होगा उसको हम क्या लिखेंगे, उसको हम लिख सकते हैं ए ऑफ कॉस अल्फा, दैट बिकम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये एक्स कॉम्पोनेंट है, बट इसका डायरेक्शन भी मेरे को बताना होगा, पाई क्या। उसी तरह उसका वाई कंपोनेंट भी मेरे को बताना पड़ेगा, तो दैट विल बी ए ऑफ कॉस बीटा एंड डायरेक्शन इज जे कैप, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये तो आपने रिजॉल्व कर दिया। अगर आपका 3 डिमेंशनल पिक्चर रहता इस टाइप से, ठीक है, और आपको रिजॉल्व करना है, तब किसी वेक्टर को अगर हम रिजॉल्व कर रहे हैं, लेट्स से इस वेक्टर को अगर 3 डायमेंशनली अगर मेरे को रिजॉल्व करना रहता है, तो हम क्या करते हैं, ए कॉस अल्फा आई कैप प्लस ए कॉस बीटा जे कैप प्लस ए कॉस गामा के कैप,
ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, और ये आपको पहले भी बताया जा चुका है। ठीक है, तो कहने का मतलब एक सिंपल वे में अगर आपको हम कहें कि आपका एक वेक्टर है ए और आप इसको रिजॉल्व करना चाहते हो, इसका एक्स कंपोनेंट निकालना चाहते हो, सो दिस विल बी ए ऑफ कॉस थीटा। तो यूज ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज एंड यू कैन इजिली सॉल्व ए साइन थीटा। ठीक है, तो अब इसका एप्लीकेशन जो होता है वो आपको एग्जाम में पूछेगा। सिंपल क्वेश्चन, जैसे कि मान लिया अगर हमने आपको बोला कि एक फोर्स है 10.5 न्यूटन का, ठीक है, एंड इट इज एक्टिंग अलोंग अ पार्टिकल अलोंग अ डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल ऑफ, सो दिस इज द फोर्स, इट इज एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री, ठीक है, विद द वर्टिकल। ठीक है, फाइंड द कॉम्पोनेंट ऑफ द फोर्स इन द वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक है, तो ये वाला आपका वर्टिकल डायरेक्शन में बोल रहा है, ये 37 डिग्री है, ठीक है, सो दिस बिकम्स 53 डिग्री। तो आपको बोल रहा है व्हाट इज द कॉम्पोनेंट इन दिस दिस डायरेक्शन। ठीक है, अब आपको बोल रहा है इसका इंक्लिनेशन ये 37 है, इसका मतलब जो इसका वर्टिकल डायरेक्शन में इसका कॉम्पोनेंट क्या होगा, कॉस कॉम्पोनेंट होगा, तो एफ ऑफ कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स का वैल्यू मान लेते हैं आपका 10.5 न्यूटन दिया हुआ है, और ये हो गया कॉस ऑफ 37 डिग्री, सो यू कैन कैलकुलेट कॉस 37 4/5 होता है, ठीक है, जो भी आएगा। तो कहने का मतलब है आप किसी भी फोर्स को रिजॉल्व कर सकते हैं, जैसे ये फोर्स है आपका एफ, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया आपका एफ कॉस थीटा, एंड वर्टिकल कंपोनेंट हो गया एफ साइन थीटा। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है, यहाँ पे स्टूडेंट लोग गड़बड़ करता है। जैसे इसी क्वेश्चन में हमने क्या बोला था कि फोर्स जो है 10.5 न्यूटन का एक पार्टिकल पे एक्ट कर रहा है मेकिंग एन एंगल 37 डिग्री विद द वर्टिकल। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा विद द वर्टिकल एंगल बन रहा है, विद द हॉरिजॉन्टल एंगल बन रहा है, एंड अकॉर्डिंगली आपको उसको सॉल्व करना होगा, नहीं तो फिर क्या है गड़बड़ हो सकता है आपसे। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आपको बार बार आपको इस्तेमाल करना पड़ सकता है फिजिक्स में। ठीक है, अब जो दूसरा कॉन्सेप्ट है जिसको आपको समझना चाहिए, दैट इज कॉल्ड द स्केलर एंड द डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, हम वही चीज रिवाइज कर रहे हैं जो कि एक्चुअली में एग्जाम में आता है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट के बारे में, जैसे कि मान लिया कि आपसे बोला कि वर्क डन, सो वर्क डन इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो कहने का मतलब है हाउ टू फाइंड दिस डॉट प्रोडक्ट, ये एफ एस का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो लेट से अगर दो वेक्टर है आपके पास ए और बी, और इसका आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना है, इसका मतलब दिस इज गिवेन एज मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी वेक्टर एंड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन द टू वेक्टर। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये इस तरीके से, ये ए वेक्टर है आपका, ये बी वेक्टर है आपका, और ये एंगल थीटा है, तो अगर इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो दिस इज द वैल्यू ए बी कॉस थीटा। अब कहने का मतलब यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं कॉम्यूटेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव, ये आप समझ रहे हो कि अगर ए डॉट बी बोलेंगे तो दैट शुड बी इक्वल टू बी डॉट ए। ठीक है, क्योंकि दोनों का वैल्यू तो ए बी कॉस थीटा ही आएगा। उसी तरह अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की बात बोल रहे हैं तो ए डॉट बी प्लस सी अगर बोलेंगे तो ऑब्वियसली दिस विल ओपन द ब्रैकेट, तो हम इसको लिख सकते हैं ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ठीक है, तो इसका ये सब प्रॉपर्टीज आप अपना जो वर्कआउट इंटेलिजेंस है उससे आप निकाल सकते हो। ठीक है, इसमें कोई बहुत बड़ा मतलब कॉन्सेप्चुअल चीज नहीं है, ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कॉम्यूटेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज। तो यहाँ पे बेसिकली आपको ये याद रखना है कि जो डॉट प्रोडक्ट है मेरा वो ए बी कॉस थीटा होता है इफ ए एंड बी आर टू वेक्टर्स। अब यहाँ पे एंगल अगर चेंज करेंगे तो अकॉर्डिंगली आपका वैल्यू चेंज होता रहेगा। ठीक है, थीटा 0 रहेगा तब क्या होगा, थीटा 45 है तब क्या होगा, थीटा 90 है तब क्या होगा, सो यू कैन कॉन्फिगर। ठीक है, तो कहने का मतलब कॉस 90 0 होता है। ठीक है, इसका मतलब जो डॉट प्रोडक्ट अगर दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर लेते हैं आपका इस टाइप से, ये ए वेक्टर है
ये 90 डिग्री एंगल है और ये बी वेक्टर है, तो इसका मेरा डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, दिस विल बी ए बी कॉस ऑफ 90 डिग्री एंड 90 cos 90 इज जीरो, तो दिस इज जीरो वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि इफ डॉट प्रोडक्ट इज जीरो व्हाट डज इट सिग्निफाई, इट सिग्निफाइज कि ये दो वेक्टर्स जो हैं वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के। अब आते हैं इसकी प्रैक्टिकल एबिलिटी पे, ठीक है, कि इस डॉट प्रोडक्ट का हम लोग इस्तेमाल कहाँ करते हैं। तो वर्क एनर्जी पावर चैप्टर जब आप पढ़िएगा तो वहाँ वर्क डन जो मैंने अभी बताया, वर्क डन इज गिवन एज फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का वो एक डॉट प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि 12 न्यूटन का फोर्स एक पार्टिकल पे एक्ट कर रहा है, ठीक है, और 12 न्यूटन एंड ये जो पार्टिकल है इट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू 2 मीटर, 2 मीटर, ठीक है, 2 मीटर डिस्प्लेस हो रहा है आपका, ठीक है। और मान के चलिए कि ये इस तरह का सिचुएशन है आपका, ये आप खींच रहे हैं, ठीक है, एंड दिस इज योर द एंगल बिटवीन ये और ये आपका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है, तो आप आसानी से निकाल सकते हो इसका। ठीक है, मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट जो भी है आपका 2 मीटर यहाँ पे दिया हुआ है एंड दिस थीटा लेट से इज 30 डिग्री, ठीक है, या 60 डिग्री जो भी है, तो यू कैन कैलकुलेट वर्क डन क्या हो सकता है आपका, एफ एस कॉस थीटा, ठीक है, तो आप निकाल सकते हैं 12 into 2 into cos of 60 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है, तो काफी कॉमन क्वेश्चन होता है। अगर हम आपको बोलेंगे कि एक 12 न्यूटन का फोर्स पार्टिकल को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में ले जा रहा है, ठीक है, 12 न्यूटन, ठीक है, एंड पार्टिकल इज डिस्प्लेस थ्रू 2 मीटर इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, वो इधर जा रहा है पार्टिकल, पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो 2 मीटर नीचे है, ठीक है, तो यहाँ पे जो आपने फोर्स ऊपर की तरफ लगाया बट डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, नीचे है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चंस कभी कभी पूछ सकते हैं, तो इस केस में आपका W क्या हो जाएगा, एफ एस कॉस थीटा, सो दिस विल बी 12 into 2 एंड कॉस ऑफ 180 डिग्री, एंड कॉस 180 क्या होता है, -1 होता है, सो दिस इज -24 जूल, ठीक है। तो कहने का मतलब है वर्क डन इस केस में नेगेटिव है, क्यों, क्योंकि जो एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स जो है आपके वो आपका क्या है, 180 डिग्री है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, अकॉर्डिंगली जैसा थीटा दिया हुआ है, जैसा थीटा का कंडीशन आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपसे पूछ सकते हैं। उसी तरह डॉट प्रोडक्ट जो है इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस के टर्म में भी आपको दिया जा सकता है, जैसे कि ए इज इक्वल टू लेट से ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ठीक है, एंड मान लेते हैं बी वेक्टर आपका दिया है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो ये आपको हम बताए थे कि अगर हम इसका ए डॉट बी निकालेंगे तो दिस विल बी ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, ठीक है, ये आपको बताया गया था, ठीक है, ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। वाई ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब आप उसको दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो एक चीज आपको ध्यान देना है कि जब आई डॉट आई आएगा, आई डॉट आई आएगा या जे डॉट जे आएगा या के डॉट के आएगा, ठीक है, ये क्या होंगे, ये होंगे आपके i इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री, मतलब 1 आएगा, उसी तरह j डॉट j भी 1 आएगा, k डॉट k भी 1 आएगा, ठीक है।
लेकिन अगर आप आई डॉट जे कर रहे हो, आई डॉट जे कर रहे हो ठीक है, या जे डॉट के कर रहे हो या के डॉट आई कर रहे हो, ठीक है ठीक है, तो इस केस में जो मेरा वैल्यू आता है वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है मेरा कॉस ऑफ 90, सो दिस विल बी 0, ये सारे वैल्यू 0 हो गए, तो बच रहा यही तीनों, इसलिए मेरा ए डॉट बी क्या हो गया, ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जेड बी जेड। तो अगर आपको दिया है वैल्यूज तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि अगर हम आपको बोल दें कि लेट से ए वेक्टर इज 3i + 2j + 4k, ठीक है, एंड बी वेक्टर इज 2i + 3j + k। अब यहाँ पे अगर आपको हम ए डॉट बी निकालने दें तो हमारे पास सिंपल है कि मेरे को सिर्फ इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 3 × 2 = 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है 6, और यहाँ पे 1 है छिपा हुआ 4, तो मतलब 16 जूल, ठीक है, या जो भी है 16 यूनिट, जो भी आपका यूनिट होगा। तो कहने का मतलब है कि काफी सिंपल है, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस में मैंने दिया है माइनस है, तो आपको माइनस को भी कंसिडर करना पड़ेगा अकॉर्डिंगली, ठीक है। ये आप देख के आप बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है। अब आती है बात, जब हम डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं तो हम लोगों को सीखना होता है क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में, हमने आपको बताया होगा, ठीक है। तो इसका यूज होता है, दिस इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। ये क्या होता है, आपने अगर कोई दो वेक्टर लिया है ए और बी और उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, सो दिस इज गिवन एज ए क्रॉस बी, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड आपसे पूछा जाएगा कि ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताइए, सो दिस मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर बी एंड साइन ऑफ एंगल, ठीक है ठीक है। ये हो गया आपका, ये मैग्नीट्यूड है। अगर ए क्रॉस बी बोलते तो वो ए बी साइन थीटा इनटू डायरेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो इसका हम लोग ध्यान रखते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज ध्यान देने का बात है कि अगर ये वेक्टर है आपका, ये एंगल अगर थीटा है, तो कॉरेस्पॉन्डिंगली ये एंगल जो आपका होगा ये कितना होगा, 360 डिग्री - थीटा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझना है इसको, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आप ऑब्वियसली दो वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो डिसाइड करेगा कि वैल्यू क्या हो रहा है मैग्नीट्यूड क्रॉस प्रोडक्ट का, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं थीटा जीरो अगर है, थीटा 0 डिग्री है, इसका मतलब क्या है कि साइन थीटा भी 0 हो गया, तो इसका मतलब मेरा जो डॉट क्रॉस प्रोडक्ट है वो क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब थीटा 0 का मतलब क्या है, पैरेलल वेक्टर, मतलब दो पैरेलल वेक्टर्स अगर हैं और उसका क्रॉस प्रोडक्ट हम निकाल रहे हैं तो वो 0 आएगा, ठीक है। अब उसी तरह मान लेते हैं कि आपके वेक्टर्स इस टाइप के हैं, ठीक है, इस टाइप का वेक्टर है, सो दिस इज 90 डिग्री, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, इसका क्रॉस प्रोडक्ट आप निकाल रहे हो तो ए क्रॉस बी आपका क्या हो गया, ए बी साइन थीटा साइन 90, ठीक है। तो साइन 91 है ए बी। तो कहने का मतलब है कि जैसा वैल्यू रहेगा थीटा का उस हिसाब से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे ध्यान देना है कि जब हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो हम लोग राइट हैंड थंब रूल का, इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो राइट हैंड थंब रूल से हम इसका डायरेक्शन निकाल सकते हैं। जैसे मान लिया अगर आपका ये थंब है, ठीक है, ये आपकी उंगलियां हैं, इस टाइप से आप सोचिए चार उंगली ऐसे रहेगा अगर आप इसको मोड़ते हैं, ठीक है, और ये आपका थंब है अंगूठा, ठीक है, और ये आपका हाथ है इससे, ठीक है। तो ये अगर वेक्टर ए वेक्टर आपका और ये बी वेक्टर है आपका लेट्स से, ठीक है, तो ये जो थंब का जो डायरेक्शन होगा, ये जो थंब दो होगा, दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स, ठीक है। तो कहने का मतलब डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए क्रॉस बी
इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी वेक्टर्स, ठीक है, कहने का मतलब इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन विच इज फॉर्म्ड बाय द टू वेक्टर्स ए एंड बी, समझ में आ रही है बात। तो हम राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करके हम बता सकते हैं, ये जो थंब है आपका, ये आपका ए क्रॉस बी का डायरेक्शन बताता है। अब यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट चीज ये ध्यान देने का है कि जिस तरीके से डॉट प्रोडक्ट में हम बोले थे कॉम्यूटेटिव होता है, ए डॉट बी बराबर हमने क्या किया था, ए डॉट बी बराबर हमने किया था बी डॉट ए, ठीक है, बट इन दिस केस ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो ए क्रॉस बी जो होता है एक्चुअली होता है माइनस बी क्रॉस ए, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझना है, क्योंकि जब आप डायरेक्शन निकालिएगा तो थंब का डायरेक्शन एक बार ऊपर जा रहा है, दूसरी बार क्या है थंब का डायरेक्शन नीचे जा रहा है, ठीक है। और अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की बात करें तो ये फॉलो करता है डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है, जैसे मान लिया अगर आपको ए क्रॉस बी प्लस सी बोलते हैं तो ये आप ओपन कर सकते हो, तो दिस विल बी ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये प्रोसेस कर रहा है। लेकिन अगर हम बोलेंगे एसोसिएटिव लॉ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जैसे मान लिया ए क्रॉस और बी क्रॉस सी, ठीक है, तो ये फॉलो नहीं करता है, दिस इज नॉट इक्वल टू ए क्रॉस ऑफ बी का निकालिए प्रोडक्ट और फिर सी को क्रॉस कीजिए, ना ये नहीं फॉलो करेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये जो वेक्टर प्रोडक्ट है इट फॉलोज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बट इट डज नॉट फॉलो एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव लॉ, ये आपको पहले भी बताया जा चुका था। अब यहाँ पे क्या होता है कि आप इस तरीके का कंसिडर कीजिए, ये मान लेते हैं आई वेक्टर है, ये जे वेक्टर है, ये के वेक्टर है, ठीक है, इन ऑर्डर, तो ये मेमोरी मैप है आपका, तो आई क्रॉस जे जब कीजिएगा तो उसका वैल्यू क्या आएगा, के आएगा, ठीक है। तो आपको देखना आई और उसी ऑर्डर में बढ़िए, जे तो के आया, अगर जे और के बोलेंगे तो जे और के बोलेंगे तो क्या आएगा, जे क्रॉस के वो आई आएगा, उसी तरह के और आई करेंगे तो क्या आएगा, जे आएगा, ठीक है। तो ये सर्कल याद रख के आप कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बोलेंगे आई क्रॉस आई करना है तो दिस विल बी जीरो, वाई जीरो, क्योंकि साइन जीरो जीरो होता है, ठीक है, उसी तरह जे क्रॉस जे जो होगा वो जीरो होगा, क्यों, क्योंकि साइन जीरो जीरो होता है, के क्रॉस के क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि साइन जीरो जीरो होता है। तो ये सब कुछ कॉन्सेप्ट है जो कि यहाँ पे आपको याद रखना रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक दूसरी चीज है जो कि आपको समझनी है, वो है आपका क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, अगर मान लेते हैं कोऑर्डिनेट के फॉर्म में दिया हुआ, जैसे कि आपका ए वेक्टर बराबर दिया है लेट्स से ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, एंड बी वेक्टर जो है आपका वो दिया है लेट्स से बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं कि आप ए क्रॉस बी निकाल के बताइए क्या होगा इसका, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका आपको बताया गया था कि आप इसको डिटर मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, आई जे के ऐसे लिखना है आपको, और उसके बाद यहाँ ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड आपको लिखना है, अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आप आई लेंगे तो उस वाले रो को आपको ब्लॉक कर देना है, तो आपका बचेगा सिर्फ ये पार्ट, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, ऐसे और ऐसे, पहले ऊपर से नीचे, तो ये हो गया मेरा ए वाई बी जेड, अब इसमें से घटाएंगे आप ए जेड बी वाई, ठीक है। अब सेकंड वाले के लिए हम क्या करेंगे, माइनस लेंगे तो माइनस जे कैप, ताकि ऑर्डर जो रहे वो सेंस रहे, तब ये मेरा क्या हो जाएगा आपका, माइनस जे लेते हैं तो ये मेरा हो जाएगा ए एक्स बी जेड और ये हो जाएगा ए जेड बी एक्स, ठीक है। फिर लास्ट में प्लस के, तो सेम तरीके से होगा, वो उसको हाइड कर लीजिए, तो आपका क्या बचता है ए एक्स पी वाई माइनस ए वाई पी वाई, बस इसको सॉल्व कर लेंगे, अब ये निकल जाएगा। उसके बाद मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड आप निकालना जानते हो,
ठीक है। तो कहने का मतलब है इसका भी यूजेज हैं, काफी यूजेज आपको मिलेंगे। अब आती है बात आपका एक और चीज था जीरो वेक्टर के बारे में। तो जीरो वेक्टर का मतलब यही है कि उसका मैग्नीट्यूड जीरो, ठीक है। कहने का मतलब तो क्या इसका कोई मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस होगा? हाँ, डायरेक्शन है, होगा इसका, हाँ, जीरो वेक्टर का, ठीक है। तो इसको हम समझ पाएंगे कैसे? मान लिया आपका मान लीजिए इसको किसी वेक्टर में अगर आप नल वेक्टर को जोड़ते हो तो क्या होगा? ये सेम वेक्टर होगा। हाँ, अगर आप किसी ए वेक्टर में नल वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हो तो क्या होगा? ये नल वेक्टर होगा, ठीक है। या फिर किसी कांस्टेंट से उसको आप लेट से बीटा किसी कांस्टेंट से नंबर से आप उसको मल्टीप्लाई करते हो नल वेक्टर को, तो यू गेट नल वेक्टर। तो कहने का मतलब इसका एक फिजिकल सिग्निफिकेंस हो सकता है, ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो कहने का मतलब है कि, और दूसरी बात इंपॉर्टेंट है कि इसका डायरेक्शन जो है वो इनडिटर्मिनेट है, मतलब हमको नहीं पता वो किस डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन इज इनडिटर्मिनेट। कहने का मतलब चूंकि उसका कोई मैग्नीट्यूड ही नहीं है, जीरो मैग्नीट्यूड है, तो डायरेक्शन कहीं पे भी हो सकता है, किसी भी तरफ हो सकता है। तो ये आपको समझना है। अब जैसे इसका एक एग्जांपल अगर दिया जाए, मान लेते दो वेक्टर है ए और बी एंड दे आर पैरेलल वेक्टर्स, जैसे ऐसे ये है और ये है, इनके बीच का एंगल तो कुछ है ही नहीं, जीरो है, ठीक है। तो जब आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा क्या होगा? जीरो होगा, बिकॉज थीटा इज जीरो, ठीक है। सो दिस इज अ जीरो वेक्टर, तो ए क्रॉस इज अ नल वेक्टर इन दिस केस। तो ये एक तरह का एग्जांपल है जीरो वेक्टर को समझाने के। तो कहने का मतलब है कि यहाँ से जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट से ही पूछा जाता है, ठीक है। और आपको कंपोनेंट्स निकालने के लिए पूछे जा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन, अब आप समझिए कि एक वेक्टर है आपका, एक वेक्टर है जिसका एक्स कंपोनेंट, इधर आप एक्स एक्सिस की तरफ जा रहे हैं, तो दिस इज से 25 यूनिट्स, ठीक है। और वाई एक्सिस की तरफ जा रहे हैं तो इसका लेट्स से 60 यूनिट। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये आपका कंपोनेंट का आपको बताएं, ठीक है, कि कंपोनेंट की वैल्यू जो है आपके 25 यूनिट और 60 यूनिट है, ठीक है। तो वेक्टर का वैल्यू क्या होगा आपका, ठीक है। तो आप इसका निकाल सकते हैं, लेट्स से ए वेक्टर, तो आपको जस्ट अभी बताया गया कि जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। तो 25 स्क्वायर 60 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 25 इंटू 60, और ये एंगल इन दोनों के बीच में क्या है, 90 डिग्री, तो कॉस 90। तो यू कैन सॉल्व दिस। अब आपसे पूछ रहा है कि ये इसका एंगल क्या है, तो दिस इज द एंगल विथ 25 बेस वेक्टर, सो टेन अल्फा क्या हो जाएगा मेरा 60/25, ठीक है, इसका डायरेक्शन हो गया। तो ये सिंपल क्वेश्चन है जो कि यहां से आपसे पूछा जाता है, ठीक है। एक और सिंपल क्वेश्चन जो ये लोग पूछते हैं वो है यूनिट वेक्टर निकालना, ठीक है। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है कि उसका मैग्नीट्यूड यूनिटी है, ठीक है। अब यहां पे मान लिया आपसे क्वेश्चन दिया है कि ए वेक्टर दिए हैं आपको, ए वेक्टर इज लेट से 5i प्लस j माइनस 2k, ये दिया हुआ है, और आपसे पूछ रहा है कि इसका यूनिट वेक्टर बताइए, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर इज, यूनिट वेक्टर जो होता है वो होता है गिवन वेक्टर ए बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है आपका, यहां फिर से जा रहे हैं आपका। तो किसी भी वेक्टर को आइडेंटिफाई करते हैं, अगर आप मान लेते हैं ए वेक्टर आपने लिखा, तो इसका एक मैग्नीट्यूड होगा,
जिसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका एक डायरेक्शन होगा जिसको हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं। तो आपको इस ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालने बोल रहा है, मतलब ये एन निकालने बोल रहा है। तो एन क्या होगा, ए वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड उस वेक्टर का। अब आपको यहाँ पे ए वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, तो ए वेक्टर कितना दिया है, 5i + j - 2k दिया है। तो इसका मैग्नीट्यूड आप निकाल सकते हो, तो मैग्नीट्यूड आप जानते हो निकालना, a² + b² + c² होता है। तो यहाँ पे ए कितना है 5, तो 5² जे का क्या है 1, तो 1² प्लस, और ये -2 है तो -2 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 25, 26, 30 √30, ठीक है। इसका मतलब मेरा यूनिट वेक्टर क्या हो गया, यूनिट वेक्टर मेरा हो गया 5i + j - 2k / √30, यही हुआ। अब इसको आप आई जे के टर्म में अलग कर दो, तो 5/√30 i + 1/√30 j - 2/√30 k। तो इस तरीके से आप यूनिट वेक्टर भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो ये लोग पूछता है, यूनिट वेक्टर निकालिए, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यूनिट वेक्टर निकालना। तो यूनिट वेक्टर क्या है, बेसिकली वेक्टर को आपको डिवाइड कर देना है उसके मैग्नीट्यूड से, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर इज √a² + b² + c², ठीक है। अगर दो आई और जे के टर्म में है तो a² + b² का स्क्वायर रूट, ठीक है। अगर ए बी सी के टर्म में है तो √a² + b² + c², ठीक है। प्लस माइनस आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि कभी कभार आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेक्टर, तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, तो कैरम बोर्ड खेलते होंगे तो आप देखे होंगे जब स्ट्राइकर से आप मारते हो तो गोटी जो है इधर उधर जाता है, ठीक है। इट रिप्रेजेंट्स अ वेक्टर प्रॉब्लम, ठीक है। जैसे मान लिया आपने ये आपका कैरम बोर्ड है, ऐसे लाइन जिससे आप मार रहे हो, और ये लकड़ी है आपका, लकड़ी वाला पार्ट हटा दीजिए, हम यहाँ से मार रहे हैं, ठीक है, इस जगह से, ठीक है, और यहाँ पे टकराया ये डिस्टेंस, लेट्स से दिस एंगल इज 37 डिग्री, ठीक है, और ये मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर तक गया आपका ये गोटी। उसके बाद इसका रिप्रेजेंटेशन है कि ऐसे ट्रेवल किया, लेट्स से 3 सेंटीमीटर, और फिर ये ऐसे गया, ठीक है, कोई और गोटी से टकरा के ऐसे गया, ठीक है, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ दीज थ्री वेक्टर्स, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको करना क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिए इसको, ठीक है, क्योंकि एयरप्लेन के प्रॉब्लम्स, फिर समंदर में जहाज मूव कर रहा है, बोट मूव कर रहा है, वो इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बनता है, ठीक है, या कैरम बोर्ड प्रॉब्लम। तो हम यहाँ पे इसको तीन वेक्टर के तरफ में समझेंगे। ये पहला वेक्टर है मेरा ए बी वेक्टर, और दूसरा वेक्टर है बी सी वेक्टर, और तीसरा वेक्टर है सी डी वेक्टर, ठीक है। अब हमको क्या सोचना है, हमको ये सोचना है कि इनका एक्स कॉम्पोनेंट और वाई कॉम्पोनेंट निकालना है। तो सबसे पहले हमारा फोकस होगा ए बी वेक्टर का, ठीक है। तो ये ए बी वेक्टर को हम कंसिडर कर रहे हैं अभी, ध्यान से समझिए इसको। तो इसका एक्स कॉम्पोनेंट क्या होगा, एक्स कॉम्पोनेंट, ठीक है, एक्स कॉम्पोनेंट को हम एक्स सी लिख रहे हैं, ठीक है। एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ ए बी वेक्टर क्या होगा, तो आपको पता है ए वेक्टर का ए कॉस थीटा होता है, और यहाँ थीटा कितना दिया है मेरा 37 डिग्री दिया है, तो ये मेरा कितना हो जाएगा 5 cos 37, ठीक है। और cos 37 आपको पता है 4/5 होता है, ये कितना हो गया मेरा 4 सेंटीमीटर। तो मेरा x कंपोनेंट कितना आ गया AB वेक्टर का 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब उसी तरह
ये बीसी वेक्टर का हम एक्स कंपोनेंट निकालेंगे। तो बीसी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट कितना है, ऑलरेडी दिया है कि एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है एंड दिस इज 3 सेंटीमीटर, तो इसमें मेरे को कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब बोल रहा है सी डी वैक्टर चाहिए, तो सी डी वैक्टर का आप एक्स कॉम्पोनेंट आप निकाल लिए, तो सी डी वैक्टर का एक्स कॉम्पोनेंट कितना होगा, वो वाई डायरेक्शन में जा रहा है और उसका एक्स कॉम्पोनेंट किधर है, इस तरफ है, ठीक है। तो एंगल कितना है मेरा, 90 डिग्री है, तो दैट इज 2 cos 90 डिग्री, मतलब cos 90 इज जीरो, मतलब इसका एक्स कॉम्पोनेंट है ही नहीं, क्योंकि वो तो ऊपर जा रहा है, वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है, एक्स कॉम्पोनेंट उसका जीरो है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखें कि जो रिजल्टेंट है उसका एक्स कॉम्पोनेंट आपने निकाल लिया ए बी बी सी सी डी, अब ये तीनों को आप जोड़ दीजिएगा तो रिजल्टेंट का एक्स कॉम्पोनेंट मेरा कितना हो गया, 4 + 3 + 0, मतलब 7 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या किया, रिजल्टेंट का एक्स कॉम्पोनेंट निकाल लिया। अब मेरे को यही काम करना है, उसका वाई कॉम्पोनेंट निकालना है। अब हम फिर से जाएंगे वैसे ही ए बी वेक्टर, उसका अब हम वाई कॉम्पोनेंट निकालेंगे, तो वाई कॉम्पोनेंट मेरा कितना होता है, साइन होगा, तो 5 ऑफ साइन 37 डिग्री, ठीक है। साइन 37 कितना होता है, 3/5 होता है, 5/5 कैंसिल हो जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। उसी तरह बी सी वैक्टर का वाई कॉम्पोनेंट हम निकालेंगे, तो बी सी वैक्टर का वाई कॉम्पोनेंट क्या होगा, जीरो हो जाएगा, क्लियरली दिख रहा है, क्योंकि वो एक्स की तरफ जा रहा है, तो दिस इज जीरो। अब आइए सी डी वैक्टर, तो सी डी वैक्टर का वाई कॉम्पोनेंट कितना है, आपको क्लियर दिख रहा है कि वाई कॉम्पोनेंट उसका 2 मीटर है, 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, क्योंकि वो वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब इसका रिजल्टेंट का क्या है, तो सबको जोड़ दीजिए, तो 3 + 2 = 5, ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। समझ में आई बात, तो आप देख रहे हैं कि जो रिजल्टेंट है उसका एक्स कॉम्पोनेंट कितना आया, 7। हम दूसरा ए में जाएंगे, तो मेरा जो रिजल्टेंट है, ये मान लेते हैं रिजल्टेंट है, इसका एक्स कॉम्पोनेंट मेरा कितना आ रहा है, 7 सेंटीमीटर, एंड वाई कॉम्पोनेंट कितना आ रहा है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड मेरा कितना हो जाएगा इसका, दिस विल बी 7² + 5² जो भी आएगा, ये 49 + 25, ठीक है, √74। सो दिस इज द रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। अब आपसे पूछ रहा है कि डायरेक्शन क्या है उसका, तो डायरेक्शन जो होता है रिजल्टेंट का, दैट इज वाई कॉम्पोनेंट वाई एक्स कॉम्पोनेंट, ठीक है, और वाई कॉम्पोनेंट मेरा कितना था, 5 सेंटीमीटर, और ये कितना था, एक्स कॉम्पोनेंट 7। तो थीटा आपको निकालना है, टैन थीटा 5/7, मतलब थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स 5/7। अब ये चाहे जितना भी डिग्री आएगा, सो दिस इज द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट विद द एक्स एक्सिस। तो कहने का मतलब है इस तरह के नंबर्स और वेक्टर्स दिए रहेंगे आपको, ठीक है। हम यहाँ सिंपल क्वेश्चन था, ये 3 वेक्टर आपको दिए थे। इसी तरह क्या है कि जरूरी नहीं है कि आपका एक्स कॉम्पोनेंट जीरो हो, वाई कॉम्पोनेंट जीरो, जैसे यह सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। तो वहां पे आपको एक्स कॉम्पोनेंट भी आएगा, वाई कॉम्पोनेंट भी आएगा, और आप उसको जैसे आप निकालते हैं, निकालते चलिए, फिर रिजल्टेंट का सारे एक्स कॉम्पोनेंट जोड़ लीजिए, फिर वाई कॉम्पोनेंट सारा जोड़ लीजिए, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालिए, फिर एंगल निकालना है तो वाई बाई एक्स कर दीजिए, ठीक है। तो टैन इनवर्स वाई बाई एक्स इज एंगल, ठीक है, मेड बाय द रिजल्टेंट विद एक्स एक्सिस। तो इस तरह के क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, ठीक है, और इसका काफी इस्तेमाल आपको मिलेगा जब भी आप एडवांस लेवल का प्रॉब्लम करते हो वेक्टर्स के एप्लीकेशंस, ठीक है। अब आती है बात टू कैलकुलेट, जो ये लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि कैलकुलेट द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ये लोग पूछते हैं, कैलकुलेट द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है। तो हाउ टू कैलकुलेट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स,
आपको वेक्टर दिया है, लेट से वेक्टर ए आपका है 2i कैप 3j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है। उसके बाद बी वेक्टर जो है दैट इज 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप दिया हुआ है। अब 4i ये दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल बताइए। तो देखिए एंगल निकालने के लिए करना क्या है आपको, आपके पास ये रिलेशन मौजूद है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, सो कॉस ऑफ थीटा इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स बाई मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स का प्रोडक्ट, ये आपको पता है। अब आप यहाँ से ए डॉट बी निकाल सकते हैं, तो ए डॉट बी आपको पता है क्या होता है, ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जेड बी जेड। इसका मतलब ये कितना हो गया मेरा 2 × 4 3 × 3 4 × 2, तो टोटल जोड़ के कितना हुआ 8 8 16 16 9 25, ये मेरा आ गया 25, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी निकालना, तो मॉड ऑफ ए मैग्नीट्यूड आपको निकालने पूछ रहा है, तो ये क्या होता है रूट ओवर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, ये कितना हो गया मेरा 16 9 25 29, तो ये रूट 29 हो गया। उसी तरह मॉड ऑफ बी निकालने पूछ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा मेरा 4 स्क्वायर 16 16 9 25 25 और 4 29, ये भी रूट 29 हो गया। अब दोनों का प्रोडक्ट आप निकालेंगे तो ये कितना हो गया यहाँ पे, अब आप निकाल लिख सकते हैं यहीं पे, तो ए डॉट बी 25 आया था और ए डॉट बी कितना होगा रूट 29 × √29 29 होगा। तो आप देख रहे हैं कि कॉस थीटा मेरा आ रहा है 25/29, मतलब थीटा बराबर कॉस इनवर्स 25/29। तो ए डॉट बी वाले फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स हम निकाल सकते, ठीक है। तो ये भी एक क्वेश्चन है जो कि ये लोग पूछता है, ठीक है। अब क्वेश्चन का कुछ ये नहीं है, क्वेश्चन वेक्टर्स में किसी भी तरीके का बन सकता है, ठीक है, जैसे कोई भी प्रॉब्लम बन सकता है। जैसे एक सिंपल एक और क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, जैसे मान लिया आपको एक वेक्टर दे दिए हमने, ए वेक्टर इज इक्वल टू लेट्स से 2i − 3j + 7k, एक वेक्टर है ये, ठीक है। उसी तरह बी वेक्टर आपको दे दिया हमने लेट्स से i कैप + 2k कैप, इसमें जे जीरो है, ठीक है। उसी तरह तीसरा वेक्टर दे दिया सी j − k, और अब हम आपको बोल रहे हैं कि ए डॉट बी क्रॉस सी बताइए क्या होगा, ठीक है, इसका वैल्यू बताइए। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपको दोनों का, दोनों डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट यूटिलाइज हो रहा है, ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, बी क्रॉस सी निकालना पड़ेगा। तो बी क्रॉस सी आप निकालने के लिए आपको क्या करना है, बी क्रॉस सी आप निकालिए, ठीक है। तो ये आपको बताया गया था आई जे के करना है आपको, उसके बाद आई का 1 है पहला वाला, ये 0 है, ये 2 है, और इधर क्या है 0 है, ये 1 है और ये -1 है, ठीक है, इस टाइप से। तब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लिया हमने इधर I का ही निकालना, इधर ये कितना होगा मेरा 0 − 2, तो ये मेरा -2 आ गया। उसके बाद माइनस जे करेंगे तो 1 − 1, ठीक है, ये -1 हो गया, ठीक है। उसके बाद प्लस के करेंगे तो 1, ये 1 आ रहा है। इसका मतलब मेरा ये वैल्यू आ गया −2i + j + k, ठीक है। अब इसको मेरे को क्या करना है, इसको ए वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो हम यहाँ ए वेक्टर लिखते हैं, ए वेक्टर मेरा कितना है 2i − 3j + 7k। अब आपको पता है ए एक्स बी एक्स होता है, तो कितना हो गया −4 − 3, ठीक है, −4 − 3, और ये आपका कितना आ रहा है +7,
तो माइनस सेवन प्लस सेवन कितना हो गया, जीरो। मतलब ये वैल्यू कितना आ रहा है, जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट दोनों का कॉन्सेप्ट यूटिलाइज हो गया, तो इस तरह के सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं जहाँ पे कॉन्सेप्ट का यूटिलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, और प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो काफी सिंपल क्वेश्चन रहता है और ज्यादातर चांस रहेगा कि आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे कि टॉर्क। टॉर्क क्या है? वेक्टर प्रोडक्ट है, ठीक है, फोर्स और डिस्टेंस का, वो पूछ सकते हैं। वर्क डन क्या है? वो डॉट प्रोडक्ट है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, तो निकालते रहिए। अब आप तो जब आपको ये सब पता रहेगा कैसे करना है, तो आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अगर आप इतना ही रिटेन कर लेते हैं, इतना ही प्रैक्टिस कर लेते हैं समझ के, तो आप आसानी से बना सकते हो। एक और क्वेश्चन हम देंगे जिसको आपको बनाने का कोशिश करना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लिया हम यहाँ से स्टार्ट किए चलना, and let's say I moved with respect to x-axis, I moved 60 degree and I moved 4 meter, ठीक है? उसके बाद with respect to x-axis, I again moved at an angle of 30 degree for another, let's say, 3 meter, ठीक है? अब हमने क्या किया, फिर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस आई अगेन मूव्ड लेट्स से 60 डिग्री, ठीक है, लेट्स से आई मूव 2 मीटर। सो व्हाट इज द रिजल्टेंट, जो रिजल्टेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बताइए एंड डायरेक्शन बताइए। चीज बताए थे आपको, बस आपको यहाँ यही करना है, सबका x कॉम्पोनेंट निकाल लीजिए पहले, तीनों का, तीनों वेक्टर का जोड़ दीजिए, फिर y कॉम्पोनेंट निकालिए जोड़ दीजिए, और मैग्नीट्यूड निकालना है तो रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर दीजिए, और एंगल निकालना है तो थीटा इज टैन इनवर्स। ठीक है, तो इसमें आपका एल्गोरिदम क्या है इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, फर्स्ट फाइंड ऑल x कॉम्पोनेंट for all vectors, ठीक है, second add them up, ठीक है, उसी तरह find all y component and then add them up, ठीक है, तीसरा आपको magnitude निकालना है, तो magnitude निकालने के लिए क्या करते हैं आप, root over x square plus y square करते हैं, ठीक है, चौथा आपको direction निकालना है, तो direction is tan inverse of y कॉम्पोनेंट अपॉन x कॉम्पोनेंट, बस यही करते हैं हम। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप आप करते रहिएगा, आसानी से आप इस टाइप के प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो कि आपको पूछा जा सकता है, तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। उसी तरह एक दूसरा क्वेश्चन हम आपको देंगे, जैसे मान लिया आपका a वेक्टर है, लेट्स से दिस इज 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है, एंड बी वेक्टर जो है लेट्स से इट इज 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। अब हम बोलेंगे आपको इसका, फर्स्ट यू फाइंड a डॉट b, डॉट प्रोडक्ट निकाल के बताइए क्या होता है, एंड सेकंड यू फाइंड a क्रॉस b, ठीक है, एंड थर्ड आई विल आस्क यू टू फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स थीटा, थीटा क्या, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन से आप तीनों चीज निकाल सकते हो, निकालना सीख सकते हो, तो इसको भी कीजिएगा आप। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सिंपल क्वेश्चंस हैं, लेकिन एग्जाम में मान के चलिए कि आपको इस तरह के ही क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। अब जैसे एक दूसरा क्वेश्चन हम आपको देंगे, जैसे कि मान लिया आपको कह रहा है कि दो फोर्स हैं, देर आर टू फोर्सेस, ठीक है, टू फोर्सेस सच दैट सम ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, मान लेते दो फोर्स ए और बी हैं,
इनका मैग्नीट्यूड जो है, सम ऑफ देयर मैग्नीट्यूड इज 18 न्यूटन, ठीक है, रिजल्टेंट जो है इनका दैट इज 12 न्यूटन, ठीक है, एंड दिस रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू स्मॉलर फोर्स, ठीक है. सो व्हाट आर द टू फोर्सेस, तो ए का मैग्नीट्यूड बताइए क्या है, बी का मैग्नीट्यूड क्या है, ठीक है. इस तरह के क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकते हैं, समझ में आई बात. अब यहां देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है कि दो फोर्स दिया हुआ है, ठीक है. तो यहां पे ए और बी का सम दिया हुआ है और रिजल्टेंट दिया हुआ है, तो आप इसका बना सकते हैं. मान लिया ये फोर्स है, आपके दो फोर्सेस हैं और ये आपका रिजल्टेंट है, ठीक है. एंड दिस रिजल्टेंट फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर फोर्स. ये मान लेते ए बड़ा फोर्स है और ये बी छोटा फोर्स, तो ये इसका परपेंडिकुलर है रिजल्टेंट, ऐसा बोल रहा है, ठीक है. और अब आपसे बोल रहा है कि आप निकालिए इसको, ठीक है. तो ये आप ऐसे कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये ए है तो ये भी ए हो जाएगा, ठीक है. तो आप यहाँ देख सकते हैं ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, हाँ. तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. तो इस तरह से आपको कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना है. जैसे यहाँ पे मान लिया ऐसे है आपका, ये आपका बड़ा फोर्स है, ये रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट इज एट 90 डिग्री, ये छोटा फोर्स है बी, ठीक है. और ये आप ऐसे जोड़े इसको, ये ए है तो ये भी ए, ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया. तो राइट एंगल ट्राइंगल में क्या है, ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस रिजल्टेंट, ये आर है रिजल्टेंट, तो दिस इज रिजल्टेंट का स्क्वायर, ठीक है. और आपके पास क्या था, ए प्लस बी बराबर 18 दिया है, ये दिया हुआ है, ठीक है. अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से अब आप लाइएगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया आर स्क्वायर, ठीक है. तो इसको आप तोड़ सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी में, ए प्लस बी और ए माइनस बी में, और रिजल्टेंट आपको दिया हुआ है कितना 12, तो ये दिस इज 12 का स्क्वायर. और ए प्लस बी आपको कितना दिया 18, तो दिस इज 18 एंड दिस इज ए माइनस बी 144. तो ए माइनस बी हम निकाल लिए, ये कितना हो गया मेरा 144 बाई 18 8. अब आपके पास दो रिलेशन हो गया सिंपल, ए प्लस बी कितना है 18 और ए माइनस बी कितना है 8, तो दोनों फोर्स आप तो निकाल ही सकते हैं ना, ये जोड़िएगा तो ये कट गया, तो 2a बराबर 26, मतलब a हो गया 13 न्यूटन और b हो गया 5 न्यूटन, ठीक है. तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन आपसे, कुछ कोरिलेशनल क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं वेक्टर वेक्टर में, ठीक है. और काफी सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसका कोई ये नहीं, समझ में आई बात. तो वेक्टर से इसी टाइप के क्वेश्चन आपको आएंगे, डॉट प्रोडक्ट्स आएंगे. एक बार फिर से मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ आपको कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है. क्वेश्चंस आस्क्ड कहाँ से पूछते हैं, नीट वाले क्वेश्चन या फिर जेई मेंस वाले क्वेश्चन जो पूछेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन जो है, अभी जो जैसा अभी हम आपको बताएं कि रिजल्टेंट से, रिजल्टेंट का वैल्यू बताइए, मैग्नीट्यूड बताइए, डायरेक्शन बताइए, ठीक है, ठीक है. रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो, ठीक है. हाँ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बताइए, वर्टिकल कंपोनेंट बताइए, ठीक है. एडिशन ऑफ वेक्टर, सम ऑफ वेक्टर, ठीक है, ये चीज़ें. तीसरा जो है आपको डॉट प्रोडक्ट से पूछ सकता है क्वेश्चन, और इसके एप्लीकेशन जैसे वर्क डन निकालने आपको पूछा जा सकता है. चौथा आपको एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स निकालने पूछा जा सकता है. हाँ, टू वेक्टर्स तो आप कैसे निकालते हैं, कॉस थीटा इज ए डॉट बी बाई मॉड ऑफ ए बी, ठीक है. उसी तरह आपको वेक्टर प्रोडक्ट निकालने पूछा जा सकता है, जैसे कि एप्लीकेशन है टॉर्क निकालना, ठीक है. उसके बाद आपसे मोशन वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है. मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स आपको दिया है और आपको बोल देगा कि उसका
कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर जैसे आपको बताए थे कैरम बोर्ड वाला प्रॉब्लम, ठीक है, कैरम बोर्ड या फिर बोट का प्रॉब्लम हो सकता है, बोट प्रॉब्लम, या हो सकता है एयरप्लेन प्रॉब्लम, एरोप्लेन प्रॉब्लम, ठीक है, मूव कर रहा है, पहले इधर घुमा फिर इधर घुमा, ठीक है, इस टाइप से कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स वाले प्रॉब्लम जिसका आप मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यही आपका एरिया है जहां से ये क्वेश्चन बनता है और पूछते हैं, ठीक है, समझ में आई बात। सो दैट इज इट, ये यहाँ तक आपको हम लोग हम बताए थे जब फिजिक्स पढ़ा रहे थे पिछला। अब हम लोग क्या करेंगे, काइनेमेटिक्स स्टार्ट करेंगे, जिसमें मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन होगा, फिर मोशन इन अ प्लेन होगा, ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, बाय बाय। और करना क्या है कि जो आपको दिया जा रहा है वो आप देख सकते हैं, ठीक है।